दोस्तों क्या होगा अगर बाकी लड़ाई जंगल के राजा शेर से हो जाए, तो आखिर इस लड़ाई में जीत किसकी होगी, आइए जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जंगल के राजा शेर की, जिसे दुनिया आज वीरता और उर्वरता का प्रतीक मानती है। और एक शेर की औसतन लंबाई 4 से 5 फीट तक होती है और वजन तकरीबन 150 किलो से 200 किलो वजनी होता है। और एक शेर का सबसे खतरनाक हथियार उसके तेजधार पंजे और नुकीले दांतों से बड़ा जबड़ा है, जिससे शेर का बाइट फोर्स 650 PSI होता है। और वहीं दूसरी ओर दुनिया का सबसे मस्कुलर और फ्लेक्सिबल बॉडी वाला जानवर, जिसे हम टाइगर के नाम से जानते हैं, और साथ ही टाइगर शेर के मुकाबले काफी भारी, फुर्तीले, समझदार और खूंखार भी होते हैं, जो अपने बाइट फोर्स और नुकीले दांतों के लिए जाने जाते हैं। और अगर बाघ और शेर के बीच लड़ाई होती है, तो शेर झुंड में और अपनी चालबाजी से बाघ को बड़ी दर्दनाक मौत देगा। लेकिन अगर बाघ ने शेर पर हमला कर दिया, तो बाघ तो अपनी समझदारी और तेजी से शेर पर हमला करके शेर को मौत का घाट उतार देगा, जिसमें ज्यादा चांसेस बाघ के जीतने के हैं। इसलिए मेरा वोट तो बाघ की तरफ है। लेकिन आपके हिसाब से जीत किसकी होगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।